बाड़मेर जिले में आए दिन ओवरलोडिंग वाहनों से हो रहे हादसों के बाद भी संबंधित विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज भी शहर में बेरोक टोक ओवरलोडिंग वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं। निजी वाहनों के साथ साथ सरकारी बसें भी ओवरलोडिंग होकर दौड़ रही हैं। वहीं यातायात पुलिस सब कुछ देख कर भी अनजान बनी बैठी है। बाड़मेर शहर में यातायात व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती नजर आ रही है। शहर के मुख्य मार्गों पर जहां अस्त व्यस्त खड़े वाहन राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं, वहीं शहर के मुख्य चौराहों पर अब ओवरलोडेड वाहनों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यातायात कर्मियों की तैनातगी के बावजूद वाहन चालकों द्वारा गंभीर लापरवाहियां बरती जा रही हैं। वाहन चालकों को ना तो नियमों की चिंता है और ना ही यात्रियों को किसी हादसे का डर। यातायात प्रबंधन के ढीले ढाले रवैये के कारण उनकी आंखों के सामने ओवरलोड वाहन गुजरते नजर आ रहे हैं, लेकिन यातायात कर्मी और परिवहन विभाग इस ओर कोई ध्यान देता नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला शहर के चौटन चौराहे का है, जहां एक सरकारी बस की छत पर दर्जनों लोग सवार होते नजर आ रहे हैं। वहीं एक युवक को चलती बस के दौरान बीच बस पर चढ़ते देखा जा सकता है। पूरा घटनाक्रम चौटन चौराहे की यातायात चौकी से महज 100 फीट की दूरी का है। यातायात कर्मी तैनात भी थे, लेकिन इस ओवरलोड वाहन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि बीते 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह के तहत पुलिस ने आमजन को यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूक करने के साथ चालान भी काटे, लेकिन सड़क सुरक्षा माह की समाप्ति के साथ ही लापरवाहियां बढ़ती नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि शहर के मुख्य चौराहों से प्रतिदिन दर्जनों ओवरलोड वाहन गुजरते नजर आ रहे हैं। वहीं यातायात प्रबंधन के मौन रवैये के कारण वाहन चालकों की लापरवाहियां भी अब चरम पर नजर आ रही हैं। जिले में ओवरलोड वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई सड़क हादसे भी सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके वाहन चालक और आमजन लापरवाह नजर आ रहे हैं और इन ओवरलोड वाहनों से हादसे की आशंकाएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं।